नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एनपीएस से रिलेटेड, जहां एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही और जैसा कि कर्मचारियों को इसका इंतजार भी था। तो साथियों, इस अपडेट के तहत अब मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी, समस्त विभाग के कर्मचारी अपनी यह जानकारी अपडेट करा सकते हैं। और साथियों, यह जैसे कि आप पत्र में देख रहे हैं कि यह भविष्य निधि विभाग द्वारा यह पत्र जारी किया गया है मध्य प्रदेश के समस्त कोषालय के लिए कि उक्त कर्मचारियों की यदि किसी प्रकार की शिकायत है तो उसमें संशोधन करके और यह प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाए। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि समस्त कर्मचारी जिनके एनपीएस में से रिलेटेड यदि नाम में अशुद्धि है या नियुक्ति दिनांक में अशुद्धि है या रिटायरमेंट एज में अशुद्धि है या जो अन्य किसी भी प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं, तो वह एनपीएस से रिलेटेड अपनी एक प्रकरण तैयार करके डीडीओ विभाग, जो आपके डीडीओ हैं, उन अधिकारी से इसे वेरीफाई करके अपने कोषालय के माध्यम से या डीडीओ के माध्यम से कोषालय की ओर भिजवा सकते हैं अपने प्रकरण को। तो साथियों, ये एक अच्छी खबर है समस्त मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, जो एनपीएस से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है तो उसका एक प्रकरण तैयार कीजिएगा और जो आपको संशोधन करवाना है जन्मतिथि से रिलेटेड, नियुक्ति दिनांक से, रिटायरमेंट एज और साथ में आपके नाम में परिवर्तन, जैसे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जिनके नाम अशुद्ध है या स्पेलिंग मिस्टेक है या जिनका सरनेम में परिवर्तन होना है, तो ऐसे कर्मचारी अपने यह प्रकरण को ठीक करवा सकते हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी, शिक्षक सभी के लिए यह एक बड़ी अपडेट है और वह अपना कार्य बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। ये पत्र जारी हुआ है। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।